महाराष्ट्र समेत देश भर में लाउडस्पीकर पर हो रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाज़त दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवली की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया। बदायूं के बिसौली तहसील के दौरानपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतवली इरफान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में SDM समेत 3 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। SDM द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिका में हाई कोर्ट से कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ाल और जस्टिस विकास बुधवार की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकारों में कतई नहीं आता। लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। इसको लेकर MNC चीफ ने धमकी देते हुए कहा था कि जब तक लाउडस्पीकर से अजान दी जाएगी हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी थी। इस विषय पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी टीम 9 से बात करते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर सार्वजनिक व्यवस्था ना खराब हो और मिशन लाउडस्पीकर पर काम करते हुए प्रदेश से लगभग 60,000 अवैध लाउडस्पीकर हटाए। लाउडस्पीकर मामले पर योगी स्पष्ट हैं, धर्म निजी विषय इसको घर या अपने अपने धार्मिक स्थल तक ही सीमित रखें। योगी सरकार ने सभी धर्म संप्रदाय के याचना स्थल से लाउडस्पीकर हटवाए हैं।